अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2022 पहले महीने की पहली तारीख, इंडिया टू सऊदी अरबिया एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है जो पिछले 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। और आज से एयर बबल एग्रीमेंट चालू होने वाला था। एयर बबल एग्रीमेंट चालू होने से पहले भी लोग बहुत डायरेक्ट भी आए, जो सऊदी हुकूमत ने जिसे अलाउ कर रखा है, जो दोनों वैक्सीन सऊदी अरबिया में लगा चुके हैं। तो फ्लाइट के हवाले से कुछ वो बातें आपको बताऊंगा। और नए वीज़ा में जो बंदे अभी सऊदी अरबिया आना चाहते हैं उनके लिए एक और रास्ता मैं बताऊंगा कि सऊदी अरबिया के अलावा आप कहीं और भी जा सकते हैं जो इंडिया से करीब है। इंडिया में बहुत सारे लोग वहाँ हैं और इस वक्त इंडिया सऊदी से बेहतर है। देखिए, क्योंकि सबसे पहले इसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब सऊदी में जो है सऊदी जश्न शुरू हो गया, मतलब तमाम जगहों पे सऊदी अरबिया के नागरिक ही काम करेंगे धीरे 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 धीरे, ये आपको पता हो गया ही होगा। तो यहाँ से मूव करके यहाँ नहीं आने के बजाय आप मालदीव जा सकते हैं। सऊदी अरबिया में लेबर का एक सैलरी है, आप देखे होंगे, जहाँ तक 800 प्लस 200, 1000 प्लस 200, 1200 प्लस 200, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। आप यकीन माने, मैं ये नहीं कहता कि आप सऊदी अरबिया ना आए, आप सऊदी अरबिया आए, आप देखें, आप रहें, लेकिन आप इन बातों को गौर से सुने कि इस वक्त आप मूव कर सकते हैं मालदीव के जानिब। मालदीव में भी बहुत सारे वैकेंसी इंडिया में पड़ा हुआ है, लेबर कैटेगरी का है, सर्विस क्रू का है, हेल्पर का है, इलेक्ट्रिशियन का, बहुत तरह का जॉब है। तो यहाँ ना आने के बजाय वहाँ भी आप जा सकते हैं और इत्मीनान सुकून के साथ वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। ये मेरी जाती मंसरा था जो मैं सोच रहा था आपसे शेयर करूँ। दोस्तों, इंडिया टू सऊदी अरबिया एयर बबल एग्रीमेंट एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, प्रपोजल जो सऊदी अरबिया ने भेजा था, लेकिन आपको मैं बता दूं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया अभी भी जो है वो येलो लिस्ट में है। और येलो लिस्ट का मतलब ये होता है कि रेड लिस्ट में जो होते हैं वो खतरा ज़्यादा होता है, और उसके बाद जो खतरा में आता है गिनती, वो होता है येलो लिस्ट में। तो मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। लेकिन फ़्लाइट कब, कहाँ और कितने फ़्लाइट ओपन किया जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा इंडिया टू सऊदी अरबिया के दरमियान डायरेक्ट, अभी तक इसका घोषणा नहीं हुआ है। ये सिर्फ बातें हुई थी कि 1 जनवरी से फ़्लाइट ओपन हो जाएगा, लेकिन कौन से एयरपोर्ट से चलेगा, कितना फ़्लाइट चलेगा, हफ्ते में कितना दिन चलेगा, ये शेड्यूल वगैरह अभी तक कहीं भी आपको वेबसाइट में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो बंदा लोग काम करवा चुके हैं अपना, मतलब नए बंदे लोग आने के लिए, और बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे थे भाई हमारा फ़्लाइट नहीं हो रहा, तो आप वेट करें। बंदे ज़्यादा हैं, फ़्लाइट कम है, इस वजह से टिकट नहीं मिल रहा है एजेंट लोग को, और एजेंट जो है आप लोग को नहीं दे पा रहे। तो आप लोग घबराएं नहीं, थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह आप लोगों का भी काम हो जाएगा। क्योंकि आप अगर सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट पर आपको दिखाएगा दिल्ली से जद्दे के लिए भी फ़्लाइट है और रियाद के लिए भी फ़्लाइट है। तो आप थोड़ा सब्र करें। एजेंट लोग भी ये चाहता है कि जितना सस्ता में बंदे लोग को भेज सके, इसलिए नए वीज़ा में जो बंदा आ रहा है, आप मेरी बातों को आप देख लें और मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ वही होगा। नए वीज़ा में जो बंदा भी आ रहा है, बहुत कम ऐसा बंदा है जिसे डायरेक्ट एजेंट भेज रहा है, किसी को कुवैत भाई करके भेज रहा है, किसी को ओमान, तो किसी को कतर, क्योंकि एजेंट भी 2 पैसा कमाना चाहता है मेरे दोस्तों। तो मैं बताना ये चाह रहा था आज की इस वीडियो में 2 बातें, कि जो लोग एयर बबल एग्रीमेंट का वेट कर रहे थे उन्हें अभी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी तरह की अभी ये खबर नहीं है फ़्लाइट कब, कहाँ और कितने ओपन होगा और कितने ऑपरेट होगा। और दूसरी बातें मैं ये बताना चाह रहा था कि सऊदी अरबिया के बजाय आप एक कंट्री और चूज़ कर सकते हैं, जो है मालदीव। इंडिया के बाजू में है, अच्छी कंट्री है, और मेरे एक दोस्त वहाँ पे काम भी करते हैं, और इसी तरह की जो सैलरी आपको यहाँ मिलेगा वही सैलरी आपको वहाँ भी मिल सकता है। क्योंकि सऊदी अरबिया में जब से कोरोना आया तब से कुछ ना कुछ इंडिया टू सऊदी अरबिया बैन लगा ही हुआ है, कभी फ़्लाइट का बैन है तो कभी कुछ का बैन लग जाता है। तो आप मालदीव के जानिब भी जा सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी तरह की बातें पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।